भोपाल नगर निगम फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चला रहा है। नगर निगम ने आज ही 4 टीमें गठित की है। अभियान के जरिए फायर सेफ्टी की जांच की जा रही है। बिना फायर सेफ्टी के होटल, बार, ऑफिस और दफ्तर चलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने एमपी नगर के होटल और शॉपिंग मॉल का निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी संसाधनों की जांच की। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में फायर सेफ्टी संसाधनों को ऑडिट किया जा रहा है। कुछ जगहों पर फायर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे तो कुछ जगहों पर निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि गर्मी के कारण कई जगहों से आग लगने का मामला सामने आ रहा है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने कदम उठाया है। ऑडिट का अभियान चल रहा है, जिसके द्वारा हम लोग पूरी टीम कुलबुगदा की 5, 6, 7, 8, 9 जोन में हम लोग पूरा फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट देख रहे हैं। पूरे मॉल हुए, हमारे हॉस्पिटल हुए या जो भी बड़ी संस्था है उनमें हम फायर सेफ्टी का वो देख रहे हैं। किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें? परेशानियां तो थोड़ी बहुत हैं, जिसमें कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं। फायर सिस्टम जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम हुए, स्मोक डिटेक्टर हुए, सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। कुछ जगह पे अवेलेबल हैं, बड़े मॉल्स में अवेलेबल हैं, लेकिन छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है या होटल्स में अवेलेबल नहीं है। उसको हम चेक कर रहे हैं और हम इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।